हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार ऑनलाइन जीत क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कल हमने एक सब्जेक्ट शुरू किया था, राजस्थान की कला एवं संस्कृति। पहला वीडियो हम बना चुके हैं और उसमें हमने बहुत अच्छे से त्यौहार पढ़े थे, जिसमें हमें कैलेंडर के बारे में जानकारी ली कि सबसे पहले हिंदू त्यौहार शुरू किए थे। हिंदू त्यौहार विक्रमी कैलेंडर के तहत मनाए जाते हैं, यह चंद्रमा पर आधारित रहते हैं। और हमने अधिमास का कॉन्सेप्ट वो सारे अच्छे से पढ़े थे। और पहले मंथ श्रावण, त्योहारों की शुरुआत श्रावण से होती है, तो श्रावण में जो त्योहार आते हैं वो हमने पढ़े हैं। अब आज हम अगले त्योहार पढ़ेंगे। अगला त्योहार महीना भाद्रपद, तो भाद्रपद के त्योहार हम पढ़ेंगे। भाद्रपद कल भी बताया था, प्रत्येक महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में चांद नहीं दिखता है, शुक्ल पक्ष में चांद दिखता है। और एक बात, हिंदू त्योहार में सबसे ज्यादा त्योहार किसी मंथ में आते हैं तो वो भाद्रपद महीने में आते हैं। सबसे ज्यादा त्योहार भाद्रपद महीने में आते हैं। भाद्रपद महीने के पहले पढ़ते हैं हम कृष्ण पक्ष की तृतीया। कृष्ण पक्ष की तृतीया श्रवण पक्ष की तृतीया से जस्ट 15 दिन बाद में यह तृतीया आती है, वो छोटी तीज ही, इसे हम बड़ी तीज कहते हैं। बड़ी तीज, बूढ़ी तीज भी कहते हैं। कजली तीज भी कहते हैं इसे। कहते हैं इस दिन सातू बनाए जाते हैं, इसलिए उसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं। सातुड़ी तीज, वो तीज सबसे अच्छी कहाँ मनाई जाती थी? जयपुर में छोटी तीज। बड़ी तीज सबसे अच्छी कहाँ मनाई जाती है? बूंदी में। बड़ी तीज कहते हैं इसे, बूढ़ी तीज भी कहते हैं, कजली तीज भी कहते हैं, सातुड़ी तीज भी कहते हैं। इस दिन सातू बनाए जाते हैं, इसलिए इसे सातुड़ी तीज कहते हैं। प्रसिद्ध कहाँ की है? बूंदी की तीज। वही बात, इस दिन बूंदी में वही गौरा शंकर की सवारी निकालेंगे। गौरा शंकर यानी शिव पार्वती। शिव पार्वती की सवारी निकाली जाती है। ये विवाहित महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए भी ये बड़ी तीज की जाती है। इसे मारवाड़ का करवा चौथ कहा जाता है। बड़ी तीज को मारवाड़ का करवा चौथ। इसे मारवाड़ का करवा चौथ कहा जाता। करवा चौथ आगे देखते हैं। षष्ठी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष को षष्ठी को आती है, इसे हल षष्ठी भी कहते हैं। मैन तो इसे उब छठ कहते हैं, उब छठ। इस दिन बलराम जयंती भी होती है। बलराम जयंती कहते हैं इस दिन भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम का जन्म हुआ था, और भगवान बलराम जयंती कहते हैं। और बलराम जी का पसंदीदा जो वस्तु थी वो थी हल।
इसलिए इसे हल षष्ठी भी कहा जाता है। इस दिन हल की पूजा की जाती है। किसान इस दिन हल की पूजा भी करता है और इसे ओगछट लड़कियां खड़ी रहकर व्रत करती है। इस दिन लड़कियां खड़ी रहकर व्रत करती है। क्यों करती हैं? कहा जाता है कि कुंवारी लड़कियां अच्छे पति के लिए इस दिन खड़े रहकर व्रत करती है। बाकी दिन तो ठीक है, खाना नहीं खाए ऐसा व्रत करती है। इस दिन सूर्य अस्त के बाद जब तक चंद्रमा दिखाई नहीं देता तब तक लड़कियां खड़ी रहती, चंद्रमा दिखने के बाद वो व्रत खोलती है। इसलिए इसे उब छठ भी कहा जाता है, यानी खड़ी। उब मतलब मारवाड़ी शब्द उबो रेणु, उबो रेणु मतलब खड़ा रहना, खड़ा रहकर भी व्रत किया जाता है। कुंवारी लड़कियां जो भी व्रत करती हैं केवल उनके लिए, टारगेट उनका बस एक ही, कुंवारी लड़कियों का जो भी व्रत है वो सब अच्छे पति के लिए कामना करती। देखते तो हमें भी लगता है यार, लड़कों के लिए लड़कियां व्रत करती हैं, वो भी चाहती हैं मिले हमें कोई, रणवीर कपूर मिल जाते हैं आगे, जेठालाल ठीक है, संस्कार है हमारे। देखते हैं आगे आगे अष्टमी, सभी को पता है कृष्ण जन्माष्टमी, सभी को पता है यह तो कृष्ण जन्माष्टमी, यह मध्य रात्रि का त्योहार है। मध्य रात्रि का त्योहार, इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इस दिन भगवान श्री कृष्ण को पंजीरी का भोग लगाया जाता है। पंजीरी जो एक धनिया वगैरह से बनती है, पंजीरी का भोग लगाया जाता है। मेला वैसे तो श्री कृष्ण भगवान के मंदिर है, सभी जगह इस दिन मेले ही लगे रहेंगे, छोटा से छोटा मंदिर से लेकर बड़ा से बड़ा मंदिर। श्रीनाथ मंदिर कहा जाता है कि इस मंदिर में भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है, यहाँ पर भी इस दिन अच्छा मेला भरता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, ये मध्य रात्रि का त्योहार है, इस दिन भगवान श्री कृष्ण को पंजीरी का भोग लगाया जाता है और श्रीनाथ में मेला भरता है। मेला वैसे सभी जहां जहां कृष्ण भगवान के मंदिर होंगे वहां वहां इस दिन मेले भरेंगे। आगे देखते हैं नवमी, सभी को बताएं गोगा नवमी, इस दिन गोगा नवमी। गोगा नवमी हमारे राजस्थान के गोगा जी एक बहुत प्रिय लोक देवता है, बड़े लोक देवता है। इस दिन गोगा जी का गोगा नवमी होती है और इस दिन मेले भरते हैं। कहाँ मेला भरता है? ददरेवा, ददरेवा चूरू, और कहाँ भरता है? एक गोगा मेड़ी, हनुमानगढ़। इस दिन कहा जाता है किसान अपने हल को नौ गांठ वाली राखी बांधता है। किसान अपने हल को नौ गांठ वाली राखी बांध। नौ गांठ वाली राखी बांधता है ऐसे आप याद। इस दिन कहते हैं वापस राखियां खोली जाती है। राखियां खोली जाती हैं।
रक्षाबंधन के दिन राखियां बांधी जाती हैं, नवमी के दिन वापस राखियां खोली जाती हैं। गोगा नवमी एक हमारे लोक देवता हुए थे गोगा जी, जहां जहां गोगा जी के थान है लगभग वहां सभी पर मेले भरते हैं। प्रसिद्ध मेले एक तो ददरेवा चूरू, एक गोगा मेड़ी हनुमानगढ़, और इस दिन राखियां वापस खोली जाती हैं। किसान अपने हल्के नौ गांठ वाली राखी बांधता है और गोगा जी के मेले हर गांव में लगभग गोगा जी का थान होता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा नवमी के दिन गोगो जी की पूजा होती है और बाकी हमने देख लिए सारे। द्वादशी भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वादशी बारस, इसे बच बारस भी कहा जाता है। बच बारस इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है। चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस दिन गाय के दूध से बनी किसी भी प्रकार की मिठाई या गाय का दूध नहीं खाया जाता है। गाय के दूध से बनी सामग्री नहीं खाई जाती है। नहीं, इस दिन गाय का दूध पिया जाता है। बछवारस यहां से गायब हो गया। बछवारस बछवारस गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है। गाय के दूध से बनी किसी भी प्रकार की सामग्री नहीं खाई जाती है। नहीं, गाय का दूध पिया जाता है। और इस दिन मां अपने पुत्र पुत्र की दीर्घायु या पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है। बछवारस के दिन मां अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए भी व्रत रखती हैं। बछवारस इस दिन बछड़े की पूजा क्यों कही जाती है? ऐसी कहानियां है कि एक राजा हुआ करता था जिसकी दो रानियां थी, एक का नाम था सीता और एक का नाम था गीता। गीता का के पास भैंस थी और सीता के पास गाय थी। गाय की सभी पूजा करते थे और गाय को सभी से मतलब लगाव था। गाय से भैंस को कोई नहीं पूछता था। तो उस जिस मालकिन के पास भैंस थी गीता, उसको बहुत बुरा लगता कि यार सभी इसकी पूजा कर रहे हैं, मेरे को तो कोई देख ही नहीं रहा। और आगे गाय अगर ब्याने वाली थी, बछड़ा देने वाली थी, फिर वो खेती में जोतने के काम आएगा, इसकी मतलब वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो वो रानी अपने सैनिकों को कहती है, जिस टाइम भी इस गाय के बछड़ा जो भी बच्चा पैदा हो आप उसको मार देना। वैसा ही होता है। इस बच बारिश के ही दिन मतलब भाद्रपद की शुक्ल पक्ष को कृष्ण पक्ष को बारिश के दिन ही उस गाय के बछड़ा होता है और सैनिक उसी प्रकार उस बछड़े को चाकू से काट देते हैं।
काट कर फेंक देते हैं। और कहानियां आगे ये कहती कि जिस दिन शाम को वो राजा खाने खाना बैठता है, तब ऊपर आसमान से एक आकाशवाणी होती है, हे राजन, तेरे राज्य में आज एक जीव हत्या हुई और वो खाना खा रहे हो। और कहते उस थाली में वो अंदर से बछड़े के जो टुकड़े किए हुए थे चक्कू से, वो गिरने लगे और खून आने लगा। उस दिन वो राजा कहता है, आज के दिन बछड़े की पूजा की जाएगी, चाकू का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस बछड़े को चाकू से काटा था, इसलिए बच बारिश के दिन चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है। गाय और बछड़े की दोनों की पूजा की जाती है। गाय के दूध से बनी कोई भी सामग्री नहीं सेवन की जाती है। यह बच बारिश के बारे में देखा। आगे बढ़ते हैं, अमावस्या। इस अमावस्या को सत्य अमावस्या भी कहते हैं। जहां जहां सती महिलाएं सती हुई, उन सती हुई महिलाओं की पूजा इस दिन की जाती है अमावस्या के दिन। सबसे मेला, बड़ा मेला कहां लगता है? तो झुंझुनू में। सबसे बड़ा मेला कहां लगता है? सती माता मंदिर झुंझुनू में। इन सती का नाम नारायणी देवी, इनका नाम नारायणी देवी भी था। इनके पति का नाम तन धनदास अग्रवाल था। अग्रवाल ये अपने पति के साथ सती हुई थी और इन्हें सती की दादी भी कहा जाता है। ये हमने पढ़े अमावस्या, सती अमावस्या, मेला कहां पड़ता है? झुंझुनू में। नारायणी देवी भी इनका नाम था, नारायण देवी नाम था इनका। तो इनके पति का नाम तन धनदास अग्रवाल था, इन्हें सती की दादी भी कहा जाता है। ये अपने पति के साथ सती हुई थी। आगे देखते हैं, कृष्ण पक्ष के तैयार हो गए पूरे। अब भाद्रपद मंथ में ही द्वितीया, शुक्ल पक्ष की द्वितीया को हम कहते हैं बीज। इस द्वितीया को कहते हैं बाबे की बीज। बाबे की बीज कौन? बाबा रामदेव जी। बाबे की बीज रामदेव जी हमारे लोक देवता हुआ है, सबको पता है। मेला कहां पर लगता है? रुणेचा। रामदेव रा एक ही बात है, पोखरण तहसील में जैसलमेर। कहां पे लगता है? जैसलमेर। द्वितीय बीज, बाबे की बीज यानी रामदेव जी। इस दिन वहां मेले की शुरुआत होती है द्वितीय से एकादशी तक। मेला भरता है वहां पर। इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है, मारवाड़ का कुंभ। ये देख लो, भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया, बीज दो को हम
बीजी बोलते हैं, एकम दूज तीज भाषा है अपनी। बाबेरी बीज यानी रामदेव रा, रामदेव जी। रुणेचा में मेला लगता है, रुणेचा जैसलमेर में पड़ता है, पोकरण तहसील में। अभी नए जिले घोषित हो गए, हलोदी में आ जाएगा से। द्वितीय से एकादशी तक वहां पे मेला भरता है, इसे मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। द्वितीय के दिन ये इतनी बातें याद रख लो। आगे चतुर्थी, इसे हम गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। गणेश चतुर्थी कलंक चतुर्थी भी कहते हैं, शिव चतुर्थी भी कहते हैं, और इसे चत्रा चतुर्थी भी कहते हैं। चतुर्थी गणेश चतुर्थी, कलंक चतुर्थी, शिव चतुर्थी, चत्रा चतुर्थी। और इसे कलंक चतुर्थी क्यों कहते हैं? ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चांद नहीं देखा करते, चांद नहीं देखा करते। इस दिन अगर किसी ने चांद देख लिया, उस पर कलंक लग जाएगा, चोरी का आरोप लग जाएगा। भगवान कृष्ण पर आरोप लगाया था, वो मणि आपने चुराई थी, भगवान पर भी आरोप लग सकता है, तो हम तो है ही क्या। कलंक चतुर्थी, इसे कलंक चतुर्थी क्यों कहते हैं? ऐसा कहा जाता है भगवान श्री गणेश का जन्मदिन था, कैलाश पर्वत पर सभी देवता वहां पे पहुंचे। गणेश का पसंदीदा खाना लड्डू, सब देवता लड्डू बनाकर ले गए थे कैलाश पर्वत पर, और गजानन जी ने उन सभी लड्डू को खा लिया। सभी लड्डू खा ले तो गजानन जी का थोड़ा पेट ज्यादा भर गया। अब आप खाओगे, वो तो भगवान है, उनका पेट कैसे भर सकता है? पर जो जिन्होंने लड्डू बना के लाए थे वो भी तो भगवान थे। कार्तिकेय गजानन जी को कहता है उनका भाई, चल घुमा के लेके आता हूँ थोड़ा, शायद पेट हल्का हो जाए। कैलाश पर्वत कार्तिकेय तो बैठ जाते हैं, गजानन थोड़ा आगे जाके और बैठ जाते हैं, तो फिर चांद हंसता है उस पर, ज्यादा खा लिया तूने, मजाक बनाता है। तो कहानी आगे कहती है कि गणेश उस चांद को श्राप देता है कि तुझे यदि कोई देख लेगा, कोई नहीं देखेगा, उसको कलंकित किया जाएगा, उसे ऊपर कलंक लगेगा, उस पर आरोप लगेगा। और कहते हैं कि चांद बादलों की आठ में छुप जाता उस श्राप के कारण, वो बाहर नहीं आना पसंद करता। जितने सूर्य की आवश्यकता होती है उतनी की उतनी हमें चंद्रमा की भी आवश्यकता होती है। सृष्टि में कुछ अनहोनी हुई, सभी देवता पहुंचे, शिव जी भी दर्शन नहीं दे सकते थे। क्यों नहीं दे सकते? चांद शिव जी के सर पर लगा रहता था और चांद बादलों में छुप जाया करता था। तब गजानन जी के पास आए और कहा, कुछ तो शराब वापस लो, इस सृष्टि में कुछ अनहोनी हो रही है। तब गजानन जी कहते, मैं शराब पूरा तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन मेरे जन्मदिन के दिन यदि तुझे कोई देख लेगा, उस पर कलंक लग जाएगा, उस पर आरोप लगेगा। और कहते हैं कि गांव में आज भी कहा जाता है, चौथ का चांद मत देख लेना। पर हमारे यहाँ जिस काम को करने को मना किया जाता है, उस काम को करने में बड़ा मजा आता है। देखते हैं गणेश जी के बारे में मेला। त्रिनेत्र गणेश मेला, रणथंभौर, त्रिनेत्र गणेश मेला, रणथंभौर, एक और मेला चुंगी गणेश मेला, जैसलमेर, इस दिन ये दो बड़े मेले भरते हैं। त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर, चुंगी गणेश मेला जैसलमेर। और गणेश जी की प्रतिमा सिंह पर सवार, सिंह पर कहां पर है? जूनागढ़,
जूनागढ़ बीकानेर। और इनके बारे में, बिना सूंड वाला मूर्ति कहां पर है? जयपुर। और कहा जाता है कि गणेश जी को शादी का पहला निमंत्रण गणेश जी को दिया जाता है। पहला निमंत्रण क्यों दिया जाता है? कहानियां यह भी कहती है, भगवान की शादी थी, बारात तैयार हो रही थी, गजेंद्र उस टाइम छोटे थे, वो भी तैयार हो गए सुबह ना धोके, एकदम रेडी थे, बारात में जाएंगे आज तो। और बारात में जाने की खुशी अलग ही होती है, हम सबको पता है, बचपन में तो और ज्यादा होती है, अरे बारात में अपने को साथ लेके जाएंगे। गजेंद्र जी बैठ गए, बारात में जाने के लिए तैयार थे। हर शादी में कोई भी फंक्शन हम करते हैं तो दो चार तो खोड़ले हम कह सकते हैं मिल ही जाते हैं। और वो आए और कहा, गजानन जी को नीचे उतार दिया, गणेश को नीचे उतर जाओ रे, क्या करोगे टाबर वहां पे साहब? गजानन जी को तो और कहा, तू वहां पे क्या करेगा, पेट बाहर निकल रहा है घूमेगा। उतार दिया गजानन जी को नीचे, हमें उतार दे तो हम क्या करते, थोड़ी देर रो लेते और तो हम कुछ कर नहीं सकते। गजानन जी भगवान थे भाई, उनको गुस्सा गया, अब तुम बींदनी ला के दिखाओ। उन्होंने अपने सैनिक को, उनके सैनिक कौन, चूहे, चूहे का आदेश दिया, रास्ता खोद दो आगे। जो ही कहते हैं भगवान की बारात आगे गई, रथ रोक दिया ड्राइवर ने, आगे रास्ता खराब है, नहीं जा सकते। नीचे उतरे, पूछा कौन हो भाई, क्या कर रहे हो यहाँ? चूहे ने कहा, जब भाई साथ नहीं जाएगा बारात नहीं जाएगी, बारात को एक इंच आगे नहीं जाने देंगे। फिर कहते हैं वो वापस आते हैं और गजानन जी को कहते हैं, चल गजानन तू साथ चल। फिर गजानन जी मना करते हैं, अब तुम शादी करके दिखाओ, अब बींदनी लाके दिखाओ तुम। फिर गजानन जी के हाथ जोड़ते हैं, धूड़ खाई काले गहाए, गजानन जी को मनाते हैं और गजानन जी को साथ लाते, कि अब तुझे कौन उतारेगा, तुम बींद के साथ रहना, कोई नहीं उतारता। उस दिन भगवान विष्णु ने कहा, हे गजानन, इस लोक में जब भी किसी की शादी होगी, शादी का पहला निमंत्रण तुम्हें दिया जाएगा। और आज भी हम देखते हैं हमारे यहाँ शादी में सभी के वहां पर पहला निमंत्रण गजानन को दिया जाता है। गजानन जी का मंदिर है वहां पे रखते हैं, घर में ही गजानन जी का थान, स्थान सबसे बना थान वहां पर रख देते हैं। बकायदा कहते हैं, गजानन जी आप चलो। बारात में एक छोटा बच्चा साथ में रखते हैं, विनय की, गजानन जी का पर्यायवाची शब्द है विनय की, उस विनय के को गजानन जी के रूप में साथ ले जाते हैं। आज समय बदल रहा है, दूल्हे के लिए अलग गाड़ियां आ गई, उनमें भी कौन बैठे साथ, दूल्हे के पांच सात दरूड़ ये दोस्त, तो गजानन जी तो खुद ही मना कर देते हैं, मैं तो कहीं पीछे पैदल भाग के आ जाऊंगा और इनके साथ आज बैठू ना कल बैठू। उस ब्रह्मा जी के वचन के अनुसार गजानन जी को पहला कार्ड दिया जाता, इस लोक में जब भी शादी होगी तो पहला निमंत्रण गजानन को दिया जाता। और आज भी हमारे घरों में आसपास शादी हो या कोई भी फंक्शन हो तो हम गजानन जी को सबसे पहले याद करते। इस दिन गणेश चतुर्थी, कलंक चतुर्थी, शिव चतुर्थी, चित्रा चतुर्थी, इसमें बड़े दो मेले भरते हैं, त्रिनेत्र गणेश मेला रणथंभौर, चुंगी गणेश मेला जैसलमेर, बिना सूंड वाला मंदिर कहां पे, जयपुर, सिंह पर सवार जूनागढ़, जूनागढ़ कहां पे, बीकानेर, इस दिन चांद नहीं देखा करते, पहला निमंत्रण गजानंद को दिया जाता है। आगे देखते हैं, अब हम आगे पढ़ते हैं पंचमी। इसे ऋषि पंचमी भी कहा जाता है।
ऋषि पंचमी, इस दिन सप्त ऋषि की पूजा की जाती है, सात ऋषियों की। सप्तम ऋषि, इस दिन सप्त ऋषि यानी सात ऋषियों की पूजा की जाती है। इस दिन महेश्वरी समाज, महेश्वरी समाज अपना रक्षाबंधन मनाता है। इस दिन महेश्वरी समाज अपना रक्षाबंधन मनाता है। मेले, भोजन थाली, भोजन थाली मेला, कंबा भरतपुर, और एक मेला हरिराम जी। हरिराम जी का मेला जोरड़ा नागौर। यह देख लो पंचमी के बारे में। ऋषि पंचमी भी कहा जाता है, इसमें सात ऋषियों की पूजा की जाती है। महेश्वरी समाज इस दिन अपना रक्षाबंधन मनाता है। इस दिन दो बड़े मेले लगते हैं, भोजन थाली मेला कांबा भरतपुर और हरिराम जी का मेला जोरड़ा नागौर। आगे देखते हैं, अष्टमी भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को आई, कृष्ण जन्माष्टमी, शुक्लाष्टमी को आएगी राधाष्टमी। अष्टमी को राधाष्टमी कहा जाता है। ब्रज की रानी राधा का इस दिन जन्म हुआ था। निम्बारक संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय? निम्बारक। संप्रदाय ये मानते हैं राधा भगवान कृष्ण की पत्नी थी। इस दिन एक मेला भरता है, मेला कहां भरता है? निम्बारक संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय इस दिन मेला भरता है अजमेर में। और वो कहां पर भरता है? सलेमाबाद अजमेर। निम्बार संप्रदाय वालों के द्वारा अष्टमी, राधा अष्टमी अजमेर में मेला भरता है निम्बारक संप्रदाय द्वारा। आगे देखते हैं, एकादशी यहां पर दशमी आता था। चलो एक हम पेज ले लेते हैं, भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशम, फिर राजस्थान के एक लोक देवता हुए थे तेजा जी, इस दिन तेजा दशमी। इसे तेजा दशमी भी कहा जाता है। और मेला
एक मेला पड़ता है खरनार, नागौर, दशमी, लोक देवता तेजा जी, इसे तेजादशमी भी कहा जाता है, और उस दिन करनाल नागौर में मेला भरता है। एक मेला भरता है पर्वत सर, कहाँ पे भरता है? पर्वत सर, ये भी नागौर में ही है। तेजा जी का स्थान भी लगभग हर गांव में मिल ही जाता है, तो उस दिन तेजा जी महाराज की पूजा की जाती है। आगे देखते हैं, एकादशी, इस एकादशी को जल झूलनी, जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है। ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है। एक लकड़ी की मंदिर नुमा में बिठाकर ठाकुर जी को मंदिर से, जो गांव की एक मारवाड़ी में नाड़ी कहते हैं नदी, उस पर ले जाया जाता है। ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है, और अगले वर्ष अच्छी वर्षा के लिए कामना की जाती है। जल झूलनी, ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है, और इसे देव झूलनी भी कहते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी जल झूलनी भी कहते हैं। ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है। अगले वर्ष, यानी अगले वर्ष अच्छी वर्षा की कामना की जाती है, इसे देव झूलनी भी कहते हैं। आगे चतुर्दशी, अन्न चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री गणेश की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है, चतुर्थी के दिन उनको स्थापना की जाती है, और अन्न चतुर्थी के दिन विसर्जन किया जाता है। विसर्जन किया जाता है, मूर्तियों को भी नदी में विसर्जन करते हैं, जिसमें बच्चे लोग सभी जाते हैं, गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन करते हैं। और आगे देखते हैं, अब पूर्णिमा, पूर्णिमा से श्राद्ध शुरू होते हैं, श्राद्धों की शुरुआत। श्राद्ध 16 होते हैं, तिथियां भी 16 होती हैं, पूर्णिमा से श्राद्ध की शुरुआत होती है। आश्विन, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से श्राद्ध की शुरुआत होती है। इसका मतलब कृष्ण पक्ष तो पूरा श्राद्ध में चला गया। श्राद्ध होते कितने? एक 16। क्यों? क्योंकि तिथियां भी 16 होती हैं। अंबानी श्राद्ध पक्ष होता क्या है? इसमें पितृ पूजा होती है, जैसे कि पूर्वज जो गुजर चुके हैं
उनके लिए पूजा की जाती है। श्राद्ध 16 होते हैं, 16 तिथियां, 16 तिथियां होती हैं कुल। किसी भी तिथि को यदि जो जिस पूर्व जिस तिथि को गया है उसी तिथि के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, कौवे को भोजन कराया जाता है, इसमें मतलब खिलाया जाता है, खीर और पुड़ी का ब्राह्मणों को भोजन जिमाते हैं, खीर और पुड़ी का ब्राह्मणा को कौवे को खिलाया जाता है। कौवे को खिलाया जाता है और इसमें सांझी की पूजा की जाती है। सांझी की पूजा की जाती है। कौवे को यहां लिख देता हूं। कुंवारी लड़कियां सांझी की पूजा की जाती है। कुंवारी लड़कियां सांझी की पूजा करती हैं, अच्छे पति की कामना के लिए। पूजा करती हैं। यहां आगे लिख देता हूं मैं, सांझी गाय के गोबर की बनी होती हैं, बनाते हैं। सांझी गाय के गोबर से बनाते हैं, या बनाई जाती है। नाथ द्वारा में केले की सांझे बनाई जाती है। ये भाई श्राद्ध पक्ष, आश्विन का कृष्ण पक्ष का श्राद्ध पक्ष। रात 16 होते हैं, ब्राह्मणा को खीर और पुड़ी का भोजन कराया जाता है। कुंवारी लड़कियां अच्छे पति की कामना के लिए सांझी की पूजा की जाती है। सांझी गाय के गोबर की बनाई जाती है। नाथ द्वारा में केले की सांझे बनाई जाती है। और 16 दिन होता है उसको वो थबुकड़ा कहलाता है। आगे होगा लिखा, ये सबसे मतलब श्राद्ध में सबसे बड़ा श्राद्ध या सबसे बड़ा दिन या सबसे महत्वपूर्ण श्राद्ध वो लष्ट माना जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत करती हैं। व्रत करती हैं। इस व्रत को थबुड़ा व्रत के व्रत कहते हैं। आश्विन के कृष्ण पक्ष तो कंप्लीट, मतलब इसमें सारे श्राद्ध होते हैं। श्राद्ध क्यों मनाते हैं वो मैं आपने बता दिया मैंने। आगे शुक्ल पक्ष, श्राद्ध खत्म होते ही आगे शुक्ल पक्ष किसका, आश्विन का। इसमें शरदीय नवरात्र, नवरात्र की शुरुआत होती है। नवरात्र होते हैं सभी को पता है, आश्विन शुक्ल पक्ष एकम को नवरात्र की शुरुआत होती है। अष्टमी, नवरात्र मतलब अष्टमी आएगी, दुर्गा अष्टमी। आश्विन की शुक्ल पक्ष अष्टमी को दुर्गा अष्टमी, इसे होमाष्टमी भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, होमाष्टमी। आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं हम दशमी। दशमी सबको पता है, दशहरा।
दशहरा, इस दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है। पूजा की जाती है इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है। शुक्ल पक्ष दशमी, दशहरा सबको पता है, इस दिन खिचड़ी की पूजा की जाती है, इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है। और नीलकंठ एक पक्षी होता है, इसका दर्शन शुभ माना जाता है। शुभ माना जाता है। दशहरा खिचड़ी की पूजा की जाती है, हथियारों की पूजा की जाती है, नीलकंठ एक पक्षी होता है, उसके दर्शन शुभ माने जाते हैं। फिर नीलटास इसी को कहते हैं। इस पक्षी का ही पर्यायवाची शब्द है नीलटास। इस दिन मेले भरे जाते हैं, प्रसिद्ध मेले, भारत का प्रसिद्ध मेला है मैसूर। ये भारत का। और राजस्थान का प्रसिद्ध मेला कहां भरा जाता है? कोटा। ये भाई दशहरा के बारे में सारी बातें। खिचड़ी की पूजा की जाती है, हथियारों की पूजा की जाती है, नीलटास, नीलटास इसके पर्यायवाची नीलकंठ एक पक्षी है, जिसका दर्शन शुभ माना जाता है। मेले भारत में सबसे प्रसिद्ध मेला है मैसूर दशहरे का, राजस्थान में है कोटा। आगे देखते हैं। और ये नीलटोस कन्हैयालाल सेठिया की एक रचित कविता है, जिसका नाम भी नीलटोस है, कन्हैयालाल सेठिया। आगे देखते हैं पूर्णिमा, इसे शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा कहा जाता है, इसमें रात में खीर बनाकर खाई जाती है शरद पूर्णिमा के दिन। ऐसी मान्यता कहानियां कहती है कि इस दिन रात में खीर इसलिए बनाई जाती है कि चांद अपने पूरे कर्तव्य दिखाता है और वो कुछ पॉजिटिव एनर्जी है वो बिखेरता है, तो वो खीर खुले में बनाई जाती है और इस दिन खीर खाई जाती है शरद पूर्णिमा के दिन। इस दिन दो मेले बड़े भरे होते हैं, बड़े भरे जाते हैं। एक तो मारवाड़ का महाउत्सव, मारवाड़ का महाउत्सव, मारवाड़ का महाउत्सव कहां भरा जाता है? जोधपुर। एक भरा जाता है मीरा महाउत्सव चित्तौड़, मीरा महाउत्सव चित्तौड़। इस दिन दो बड़े मेले भरे जाते हैं, एक तो मारवाड़ का महोत्सव और एक मेरा महोत्सव चित्तौड़। ये था भाई आश्विन के बारे में। तो हमने कल है संस्कृति शुरू की, दसवीं हमारे हिंदू कैलेंडर लिए थे और हमने त्योहार पढ़े, श्रावण के त्योहार हमने पढ़ लिए, भाद्रपद जिसमें सबसे अधिक त्योहार होते हैं वो हमने पढ़ लिए, आश्विन के त्योहार पढ़ लिए, आगे वाले कल पढ़ेंगे। बने रहिए इसी में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।